Hello, I am Simran, and today we are going to discuss about the chapter which has been taken from biology's book of 10th class, ICSE, and we are going to cover photosynthesis today. The topics which I am going to cover in this video are photosynthesis, and the second one is raw material for photosynthesis, third one is its importance, fourth one is chlorophyll. It means we will be discussing about the chlorophyll and the composition of thylakoids, and then K-ion concentration theory, that is your recent theory, and sugar concentration theory, that is your old one. These are the topics that we are going to discuss in this video. So the very first topic jo hum abhi cover karenge wo hai photosynthesis, jo chapter ka naam hai. To isko photosynthesis ko hum kaise define kar sakte hain? Photosynthesis is the process by which green plants containing chlorophyll produces food substances not only for themselves but for all the animals including humans as well. तो जी इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे हैव क्लोरोफिल. उनका कलर जो ग्रीन है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. वो क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाते हैं, और वो जो खाना है वो प्लांट्स की के लिए यूजफुल तो होता ही होता है, और एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए भी यूजफुल होता है. वी ईट स्पिनच, वी ईट लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट अलॉट, राइट. तो वो सब कहाँ से आता है? वो प्लांट्स, प्लांट बेस्ड ही होता है ना, प्लांट्स से ही हमें मिलता है ना. तो वो प्लांट्स बनाते हैं उस खाने को. कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एक रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे वो खाना बनता है. और वो जो खाना है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, और जब हम उसको कुक करते हैं तो वो किसमें कुक करने के बाद वो सोल्यूबल स्टार्च बनता है. जब वो स्टोर्ड होता है, इट इज़ इनसोल्यूबल स्टार्च. जब हम उसे कुक करते हैं तो वो जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट होता है? सोल्यूबल स्टार्च में. और जब हम उसे खाते हैं तो हमारे अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो जो स्टार्च है, सोल्यूबल स्टार्च, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. और वो जो ग्लूकोज है, दैट इज़ योर बॉडीज फ्यूल, जो बॉडी को फ्यूल अप करेगा फॉर एनर्जी, और उस एनर्जी से हम सारा दिन काम कर पाएंगे. ओके, सो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स जो हैं, दे आर फोर इन नंबर. जो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज़ योर वाटर, थर्ड इज़ योर सनलाइट, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ क्लोरोफिल. इन चार चीज़ों की हेल्प से ही जो प्लांट्स हैं, दे वुड बी एबल टू प्रोड्यूस फूड. And the other topic, the next topic is its importance. तो photosynthesis की importance, I don't think कि हमें को ज़रूरत है बताने की, फिर भी I'm telling you, photosynthesis की क्या importance है. सबसे पहले food for all, ठीक है. Plants अपने लिए तो खाना बनाते बनाते हैं, they make food for animals as well as for humans. हम भी, जो लोग vegetarians होते हैं वो plant based चीज़ें ही खाते हैं, right? तो उन्हें वो खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से. तो उसमें हम humans भी आ गए. animals होते हैं जो, तो हमारे what do we call them, carnivores, वो तो animals, दूसरे animals को खा लेंगे, बट जो herbivores हैं वो किसे खाएंगे? दूसरे plants को ही खाएंगे ना. तो animals के लिए भी खाना बनाते हैं, वो खुद के लिए भी बनाते हैं और humans के लिए भी बनाते हैं. ओके, एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन टू ब्रीद इन. अब जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, हमने छोटी क्लास ही पढ़ा, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, और वो एक्सहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसी ऑक्सीजन को यूज़ कर उसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरो का मतलब ही है ग्रीन, एंड फिल मींस लीव्स. तो ग्रीन लीव्स मींस क्लोरोफिल. और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसी की वजह से जो हमें प्लांट्स हैं, वी दे टेंड टू लुक ग्रीन. ओके, द सेकंड पॉइंट इज द पिगमेंट ग्रीन इज कंटेन्ड इन द वॉल्स ऑफ थायलाकॉइड्स. अब आपकी बुक में एक डायग्राम दिया होगा, एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया होगा. ये जो डायग्राम है उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है क्लोरोप्लास्ट को. ओके, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ, हम वहीं से इसको प्रिपेयर करते हैं. ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब आप ध्यान से देख सकते हो,
जो क्लोरोफिल है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ओके, बेसिकली आपने देखा होगा जो प्लांट्स का कलर है वो ग्रीन होता है, लीव्स का ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ठीक है, और वाइट फ्लावर्स होते हैं जनरली। तो ये जो पिगमेंट्स हमें मिलते हैं, जो ग्रीन होता है दैट इज़ योर क्लोरोप्लास्ट, जो कलर्ड होता है दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट, एंड जो चीज़ें वाइट दिखती हैं प्लांट किंगडम में हमें, दे आर ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट। ओके, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसका एनवलप है। ओके, मतलब इसके अंदर क्या पड़े हैं, थायलाकोइड्स। ये ऐसे कॉइंस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये जो कॉइंस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली इन्हीं में, इनकी वॉल्स में, थायलाकोइड की वॉल्स में ही क्या पड़ा होता है, क्लोरोफिल पड़ा होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो कि इस प्लांट को, इस लीव को कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। ओके, ये जो पाइल ऑफ थायलाकोइड्स है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ओके, क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। ओके, अब इसके अंदर ना ये एक जेली लाइक लिक्विड होता है, दैट इज जेल, एक्चुअली लिक्विड नहीं होगा, जेल होगा, जो इन थायलाकोइड्स को सपोर्ट करेगा कि वो हिले नहीं, इधर उधर ना जाएं, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, दैट इज योर ग्राउंड फ्लूइड, जिसके ऊपर आपके थायलाकोइड्स पड़े हुए हैं। ओके, और ये जो है ये ऐसी इसकी आर्म्स, आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं, ये आर्म्स के साथ, ये एक थायलाकोइड किसके साथ अटैच है, विद द अदर वन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेट, क्या बोलेंगे, फ्रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ थायलाकोइड्स। तो थायलाकोइड्स जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, ये जो भी हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे हैं वो किस चीज़ के बने हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो इसकी कंपोजिशन में ये सब हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। ओके, मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल आर, ये जो क्लोरोफिल है ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दे आर 12 to 20 इन नंबर। तो जो सबसे ज़्यादा हम मतलब मोस्ट अबंडेंट है उनमें से, वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ग्रीन एंड रेड लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है, वी नो सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, वो 7 कलर्स की बनी हुई है। बट जो कहते, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, जो ब्लू वेव लेंथ की लाइट होती है और रेड वेव लेंथ की लाइट होती है, मतलब जो रेड और ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। Too much of light may destroy chlorophyll and formation of chlorophyll also takes place in light. अब ये बहुत अजीब सा एक सिस्टम है कि जो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन है वो कब होगी, लाइट की प्रेजेंस में, बट टू मच ऑफ लाइट वो क्या कर सकती है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ठीक है। अब क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो कैसे, अब देखो, अगर आपने नोटिस कभी करो, आप जो प्लांट्स जो होते हैं वो जो शेडी रीजन्स में पड़े होते हैं, शेडी एरियाज में पड़े होंगे, उसके जो लीव्स हैं वो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाएंगे, येलो इन कलर। तो ग्रीन कलर टेंड्स टू फेड आउट, ये जो ग्रीन कलर जब फेड आउट होना शुरू हो जाता है और जो लीव्स हैं वो ग्रीन से येलो कलर के होने शुरू हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड योर डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है के पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, दिस इज योर रीसेंट वन, ऑलराइट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे पोटेशियम आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ने पर या फिर घटने पर गार्ड सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इट इज सिंपल एज दैट। तो ये 10 स्टेप्स में मैंने कवर करा है इसको, इस पूरी थ्योरी को, और इसकी जो नोट्स हैं, रिटन नोट्स, मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ, सो गो थ्रू दैम। इसमें जो पहला स्टेप है, ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस अकर, दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस होगा बिकॉज देयर इज सनलाइट, सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता होता है, पर वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। जब भी फोटोसिंथेसिस होगी उस टाइम पर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अगले स्टेप में क्या होगा, एटीपी पंप्स के पॉजिटिव आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। लीफ के ऊपर हमने स्टोमेटल पोर्स देखे थे, स्टोमेटल पोर्स के अराउंड क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो वो जो गार्ड सेल्स होते हैं, पोटेशियम आयन्स वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, कलेक्ट क्यों होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उनको पंप करना शुरू कर देगी टूवर्ड्स द गार्ड सेल। अब अगर देखो गार्ड सेल्स के अंदर कंसेंट्रेशन किसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, के पॉजिटिव आयन्स की, अगर के पॉजिटिव आयन्स वहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो गए, इसका मतलब वहाँ पर वाटर नहीं है,
वाटर कम होगा, कुछ ऐसे चक्कर पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जब गार्ड सेल्स वहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो गए हैं तो एक वो ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट समझ रहे हो, हाई कंसेंट्रेशन का, लोअर कंसेंट्रेशन का। मतलब गार्ड सेल्स के अंदर अगर पोटेशियम आयंस बढ़ रहे हैं तो उस दौरान वाटर ग्रेडियंट, मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, कम। अराउंड द गार्ड सेल्स वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, हायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाटर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनने की वजह से, ग्रेडियंट मीन्स एक जगह पे ज़्यादा है एक जगह पे कम है कंसेंट्रेशन, पानी की अमाउंट, ओके। तो क्या होगा, दिस लीड्स टू हाइपरटोनिक कंडीशंस, दैट इज लेस वाटर इनसाइड गार्ड सेल्स एंड मोर पोटेशियम आयंस। मतलब वाटर कंसेंट्रेशन कम हो गई अब गार्ड सेल्स के अंदर, और जो के पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ गई है, ओके। अगले स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में, दिस लीड्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स टूवर्ड्स द गार्ड सेल। जो स्टोमेटल पोर्स के अराउंड जो सेल्स हैं वहाँ से जो वाटर है वो किधर को मूव करना शुरू हो जाएगा, टूवर्ड्स द गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स में अगर वाटर मूव होना शुरू हो गया, पानी कलेक्ट होना शुरू हो गया उसमें, तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेलन अप हो जाएंगे। स्वेल अप होने पर वो फूल जाएंगे। तो जब गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, जब गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, राइट। अगर वो ओपन हो गए तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर पाएगी, ठीक है। अब जब गार्ड सेल्स फ्लफी हो जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे, तो दे बिकम टर्जिड। ड्यू टू टर्जिडिटी दे बिकम ओपन इन डे, और इसी टर्जिडिटी की वजह से वो ओपन हो जाएंगे। अब इन नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एटीपी की जनरेशन नहीं होगी। अगर एटीपी जनरेट नहीं होगा तो पोटेशियम आयंस पंप नहीं होंगे गार्ड सेल्स के अंदर। अगर पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, पानी की कम नहीं होगी, तो वहाँ पर ग्रेडियंट नहीं जनरेट होगा, तो जो स्टोमेटल पोर्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, वो फ्लैसिड रहेंगे, बंद रहेंगे ड्यूरिंग द नाइट, ओके। जब दोबारा दिन शुरू होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, दोबारा फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी और ये साइकिल जो है वो रिपीट होती जाएगी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज योर शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी। ये टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस आकर, जब भी फोटोसिंथेसिस होगी क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मीन्स स्टार्च बनेगा, नॉट एक्चुअली ग्लूकोज, स्टार्च बनेगा। प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन लीव्स, फोटोसिंथेसिस हुई, शुगर प्रोडक्शन हुई लीव्स में, क्योंकि लीव्स में ही क्या होता है, क्लोरोफिल, तो खाना वहीं पर बनेगा। शुगर कंटेंट इंक्रीजेज एंड वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज। अब लीव्स में किसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, शुगर कंसेंट्रेशन, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, फिर से ग्रेडियंट बन गया। मतलब एक साइड कंसेंट्रेशन वाटर की ज़्यादा और एक साइड पे कम। तो दिस कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स टूवर्ड्स द गार्ड सेल्स। अब जो आसपास वाले सेल्स हैं गार्ड सेल्स के, वहाँ से वाटर की मूवमेंट किधर होनी शुरू हो जाएगी, टूवर्ड्स द गार्ड सेल। अब गार्ड सेल दोबारा से फ्लफ हो जाएंगे, फ्लफी, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे और वो ओपन हो जाएंगे, ओके। और ड्यूरिंग द नाइट जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, शुगर नहीं बनेगा, वो फ्लैसिड रहेंगे, बंद रहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहा नहीं आ पाएगी, तो दैट्स इट, ओके। सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी, ओके। So this was all about the topics जो हमने discuss करने थे। अब बाकी के जो topics हैं वो हम अगली वीडियो में cover करेंगे। Till then, bye.